नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फोरम 19 क्या होता है, फोरम 10C क्या होता है, फोरम 31 क्या होता है, फोरम 10D क्या होता है। अगर आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं तो आपको भी इसके बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि आपको भी अगर आपका पीएफ अकाउंट है तो आपको एक ना एक दिन इन फोरम की जरूरत पड़ेगी और आपको एक ना एक दिन ये फॉरम भरना पड़ेगा, चाहे फॉरम 31 हो या फिर फॉरम 19 हो या फिर फॉरम 10C हो या फिर फॉरम जो है 10D हो। कंप्लीट जानकारी इन सभी फॉरम के बारे में, क्योंकि ये जो चार फॉरम होते हैं फॉरम 19, 10C और 31, 10D, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनका जो है काम किस लिए होता है, किस चीज़ के लिए हम जो है इनको अप्लाई करते हैं। अगर आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं तो ये वीडियो पूरी देखना, इन सभी फॉरम के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप भी पीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं और आपका भी पीएफ अकाउंट है, इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हो, जिससे कि पीएफ ईपीएफ से संबंधित जो है आपको इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो जो है लगातार मिलती रहेंगी। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं आ गया हूँ ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का पोर्टल है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ और अच्छी तरह से समझा भी देता हूँ, जिससे कि आपको जो है समझने में भी आसानी हो और आप अच्छी तरह से समझ सको। तो यहाँ पर मैंने ईपीएफओ का यूएन मेंबर का पोर्टल है उसको ओपन कर लिया है, बाकी इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पर मैं अपना 12 डिजिट का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और पासवर्ड मेंशन करके मैं फटाफट से लॉग इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर 12 डिजिट का डाल दिया है और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ पासवर्ड, और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है ये मेंशन कर देता हूँ और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस कंप्लीट आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल मेंशन कर दी। अब मैं कर लेता हूँ साइन इन, और साइन इन करने के बाद यहाँ पे एक अलर्ट देखने को मिलता है, इसको कर देते हैं लेटर। तो यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली लॉग इन कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए पीएफ का पैसा निकालने के लिए हमें यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज का ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना रहता है, यहाँ पर जाना रहता है और यहाँ पे देख सकते हो क्लेम फॉरम 31, 19, 10C एंड 10D यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर हमें अपना बैंक अकाउंट नंबर पूरा मेंशन करना रहता है और मेंशन करके यहाँ पे वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए मैं बैंक अकाउंट नंबर पूरा मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे और फिर मैं आपको सारे फॉरम दिखा देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट नंबर पूरा मेंशन कर दिया, अब मैं करता हूँ वेरीफाई और यहाँ पे यस। यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट जो है वेरीफाई हो गया। अब नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे प्रोसेस्ड फॉर ऑनलाइन क्लेम यहाँ पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने जो है स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको आई वांट टू अप्लाई फॉर, और यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन, और जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है चार फॉरम देखने को मिलते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने कंपनी नहीं छोड़ी है, तो आपको यहाँ पे एक ही फॉरम देखने को मिलेगा, फॉरम 31। सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉरम 31 क्या होता है। देखिए जो फॉरम 31 होता है वो एडवांस पीएफ के लिए होता है। अगर आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, आप घर पर नहीं बैठे हो, बेरोजगार नहीं हो, किसी कंपनी में आपकी जो है जॉब अभी काम कर रहे हो, आपकी जॉब चल रही है, तो ईपीएफओ ने यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ मेंबर्स को ये फैसिलिटी दे रखी है कि अगर इमरजेंसी में उनको कुछ पीएफ के पैसों की जरूरत पड़ जाती है, यानी कि उनको कुछ इमरजेंसी ऐसी हो जाती है बीमारी में या फिर घर बनवाना या फिर किसी की शादी करनी है, तो उनको कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो उनका जो पीएफ का जो पैसा रहता है वहां से वो एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। फॉरम 31 अप्लाई करना पड़ता है। ये आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हो, तभी आपको जो है फॉरम 31 शो होगा। अगर आपने कंपनी छोड़ दी है, डेट ऑफ एग्जिट आपने मेंशन कर ली है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा फॉरम भरना पड़ेगा, आप जान जाएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे देख सकते हो पीएफ एडवांस फॉरम 31। तो अगर आपको पीएफ का पैसा एडवांस में निकालना है तो आपको फॉरम 31 अप्लाई करना पड़ेगा। अब बात करते हैं फॉरम 19 की। अब यहाँ पे देखिए ओनली पीएफ विड्रो फॉरम 19। अगर आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे थे, अब आपने नौकरी छोड़ दी है, कहीं पर भी काम नहीं कर रहे, आपकी जो पीएफ मेंबर आईडी है वहां पे डेट ऑफ एग्जिट भी मेंशन हो गई है, 2 महीने से ज्यादा हो गया आपको नौकरी छोड़े हुए, घर पे बैठे हो, कहीं पर भी काम नहीं कर रहे, 2 महीने हो गए आपको कंप्लीट करे हुए, फिर आपको अपना पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए, यानी कि ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट, एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर, तो फॉरम 19 होता है पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए, कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर के लिए, ये वाली दोनों जो अमाउंट रहती है इसके लिए हमें फॉरम भरना पड़ता है 19। तो यहाँ पे आपको फॉरम 19 समझ में आ गया कि भाई फॉरम 19 किस लिए भरते हैं, ये वाली जो अमाउंट रहती है और ये जो अमाउंट रहती है, इन दोनों को विड्रॉ करने के लिए हमें फॉरम 19 भरना पड़ता है।
यहाँ पे कंडीशन है, फॉर्म 19 तभी आपको दिखेगा, तभी आप भर सकते हैं जब आप कहीं पर भी काम नहीं कर रहे हो और 2 महीने हो गए हैं आपको घर बैठे हुए, ठीक है। और आपकी जो पीएफ मेंबर आईडी है वहां पर आपकी डेट ऑफ एग्जिट मेंशन है, तभी जो है फॉर्म 19 दिखाएगा, तभी आप जो है फॉर्म 19 अप्लाई करके अपना पूरा पीएफ का पैसा, ये दोनों अमाउंट है, ये विड्रॉ कर सकते हो। अब बात करते हैं फॉर्म 10C की। अब देखिए पीएफ की जो पासबुक रहती है इसमें जो ये पेंशन की जो पैसा रहता है, पेंशन अंशदान का, पेंशन कंट्रीब्यूशन की ये जो अमाउंट रहती है, इसके लिए हमें फॉर्म 10C अप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए जब भी आप कहीं पर काम नहीं कर रहे हो, घर बैठे हो, 2 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो जब आप फॉर्म 90 और 10C अप्लाई करेंगे तो पहले आपको फॉर्म 19 अप्लाई करना है पीएफ के पैसों के लिए, उसके बाद आपको फॉर्म 10C अप्लाई करना है। अगर आपने पहले फॉर्म 10C अप्लाई कर दिया तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, आपको पहले फॉर्म 19 अप्लाई करना पड़ेगा इस वाली अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए, और फिर आप जो है फॉर्म 10C अप्लाई कर देना ये वाली अमाउंट विड्रॉ करने के लिए, ठीक है। अब आशा करता हूँ आपको फॉर्म 31 के बारे में भी पता चल गया होगा, फॉर्म 19 के बारे में भी पता चल गया होगा, और फॉर्म 10C के बारे में भी पता चल गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फॉर्म 10D के बारे में। यहाँ पे देखिए मंथली पेंशन फॉर्म 10D। अब फॉर्म 10D हमें कब भरना पड़ता है और क्यों भरना पड़ता है, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि EPFO यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का एक नियम है कि अगर आपकी टोटल सर्विस, चाहे एक कंपनी में काम किया हो या फिर आपने मल्टीपल कंपनियों में काम किया हो, कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी टोटल सर्विस 9 साल 6 महीने से ज़्यादा की हो जाती है, फिर आपको ये जो पेंशन का जो पैसा है ये आपको नहीं मिलता। जब आप 58 साल के हो जाएंगे तब आपको हर महीने EPS 95 पेंशन स्कीम के तहत जो है पेंशन मिलेगी, हर महीने मिनिमम पेंशन EPFO कहता है 1,000 रुपये, बाकी डिपेंड करता है कि आपकी कितना अंशदान जमा हो रहा था और आपकी टोटल कितने साल की सर्विस थी, उसके हिसाब से जो है कैलकुलेट किया जाएगा, फिर आपको EPFO की तरफ से हर महीने EPS 95 पेंशन स्कीम के तहत जो है पेंशन मिलेगी, तब आपको जो है फॉर्म 10D भरना पड़ेगा। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी टोटल सर्विस 9 साल 6 महीने से ज़्यादा की हो जाती है, फिर आपको फॉर्म 10C नहीं भरना, फॉर्म 10D भरना पड़ेगा आपको। फॉर्म 10C तभी भरते हैं तब आपकी टोटल सर्विस 9 साल 6 महीने से कम की है, क्योंकि 9 साल 6 महीने से कम की अगर आपकी सर्विस है तो आप फॉर्म 19 और फॉर्म 10C अप्लाई करके पूरा पेंशन का पैसा भी और पीएफ का पैसा भी विड्रॉ कर सकते हो। बट अगर 9 साल 6 महीने से ज़्यादा की आपकी सर्विस हो जाती है टोटल, फिर आप जो है फॉर्म 10C अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे EPFO का नियम लागू हो जाता है, कर्मचारी पेंशन स्कीम EPS 95 पेंशन स्कीम के तहत जो आपको पेंशन मिलेगी हर महीने, और इसके लिए आपको फॉर्म 10D भरना पड़ेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्म 31 क्या होता है, फॉर्म 19 क्या होता है, फॉर्म 10C क्या होता है, फॉर्म 10D क्या होता है। तो मैंने आपको ब्रीफ में कंप्लीट बता दिया इन चारों फॉर्म के बारे में, फॉर्म 19, फॉर्म 10C, फॉर्म 31 और 10D। अब चलते चलते फटाफट से फिर एक बार फिर बता देता हूँ शॉर्ट लाइन में कि फॉर्म 31 जो होता है वो एडवांस पीएफ के लिए होता है, फॉर्म 19 और फॉर्म 10C होता है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए होता है, फॉर्म 10D अगर आपकी टोटल सर्विस 9 साल 6 महीने से ज़्यादा की हो जाती है, फिर आपको फॉर्म 10C नहीं भरना, आप 10C अप्लाई नहीं कर सकते, फिर आपको EPFO की तरफ से हर महीने पेंशन मिलेगी EPS 95 पेंशन स्कीम के तहत, और इसके लिए आपको फॉर्म 10D भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये वीडियो तो यहीं पर ख़त्म होने जा रही है। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता कि फॉर्म 10C कैसे भरते हैं, फॉर्म 19 कैसे भरते हैं, फॉर्म 31 कैसे भरते हैं, फॉर्म 10D कैसे भरते हैं, इसके लिए मैंने सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है, वो वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि फॉर्म कैसे भरते हैं, क्योंकि अगर इसी वीडियो में मैंने सारे फॉर्म भर के दिखा दिया तो वीडियो 3-4 घंटे की हो जाएगी, ठीक है। तो बस इस वीडियो में मेरे को यही बताना था कि फॉर्म 19, 10C और 31, 10D क्या होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आपको एक सही करेक्ट जानकारी मिली होगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या फीडबैक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है मेरे को सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज बेस्ड वीडियो जो है लगातार लेके आऊंगा। तो मैं प्रदीप शर्मा फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, एक और नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।